Mentre gli altri sono arrivati a casa, quanti erano stati già questa richiesta di due settimane? Se vuoi, chi ne sarà del mese? Posso fare quanta mancanza? Perché qui grava per essere tutti già stati qui. Si sta quanto mi arrivate, quindi non sono stato per fare gli altri per scendere qui, e sono dolce qui per lui a dire a fare tanto che era la dai, ma che farne con c'è in me yoga? Ho già per cavale, और जहाँ तक हमारा पूर्वी भारत का सवाल है तो ये मान के चलेंगे कि दो दिनों के बाद जो है वहाँ पर भी दो से तीन डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है और वहीं बात करें हमारे मध्य भारत की तो वहाँ पर 24 घंटे के बाद वहाँ पे भी दो से तीन डिग्री गिरावट आ सकती है। वहाँ बात करें विदर्भ और उड़ीसा वगैरह इलाके तो वहाँ पे दिन के तापमान में आज और कल गिरावट आएगी क्योंकि बदली रहेगी बारिश रहेगी और थोड़ा सा तापमान में मामूली सी गिरावट अधिक कर में उत्तर पूर्वी इलाकों में भी हो सकती है। बाकी के हिस्सों में कोई ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे जी। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक आपको जानकारी दे रहे थे क्या स्थिति रहेगी तापमान की बारिश या पश्चिम विक्षोभ का यात्रा है जिससे प्रदेशों में खास तौर से देखा जा सकेगा। पढ़ाई आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में आपको बताते हैं बारिश की अगर बात की जाए तो पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना दिखाई गई है। खासतौर से कौन से इलाके हैं जहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 तापमान लगभग 10 डिग्री
हिमाचल प्रदेश में तो ज्यादा तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। हालांकि चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ कम ज्यादा तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। हिमालय पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ पाकिस्तान में भी कुछ तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश गुजरात और उड़ीसा में कई जगह तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान की अगर बात करें तो केवल कोलंबू में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस। एक बात ये लेकिन तापमान की न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण आंतरिक इलाकों में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान हैदराबाद दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 3 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर मौके से लाए छोटे से ब्रेक का ब्रेक बाद आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप देखते रहे दूरदर्शन के साथ।
प्रचलित बातें उठाती है मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बेहतर की जाए अरुणाचल प्रदेश के, तो यहाँ पर किसान ध्यान रखकर थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किसान अदरक की खुदाई भी कर सकते हैं। असम में सरसों की कटाई किसान कर लें और बोरो धान के रोपाई जल्द ही पूरी कर लें। मेघालय में मूली गाजर और तिल की तैयार फसल की किसान कटाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई कर लें। मेघालय में टमाटर शिमला मिर्च की नर्सरी किसान तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर मिलता तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। अब देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए नागालैंड की, तो यहाँ पर किसान जो मक्की की फसल है इसकी कटाई कर सकते हैं। वहीं मिजोरम में मटर सोयाबीन की कटाई किसान कर सकते हैं। हल्दी की फसल तैयार हो चुकी है तो उसकी खुदाई भी कर लें। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी में सब्जियों की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। यहाँ किसान ककड़ी टमाटर बैंगन और मिर्च की नर्सरी भी लगा सकते हैं। बिहार में गर्मियों की सब्जी फसल की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। छत्तीसगढ़ के किसानों सब्जी फसलों में हल्की सिंचाई करें। यहाँ पर आपको बताते हैं आने वाले दो दिनों के बाद तक तो क्या कुछ खास कर सकता है मौसम में। सबसे पहले बात करें पश्चिम विक्षोभ की, हम करें तो आपको बता दें पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश और आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में कल जबकि ओडिशा में अगले दो दिन कुछ हिस्सों में काफी घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। ओडिशा में न सिर्फ कोहरा बल्कि कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। आपको बता दें हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। छत्तीसगढ़ में कई कुछ जगह यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कल पंजाब हरियाणा और राजधानी दिल्ली में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह शीतलहर चल सकती है, जबकि रविवार को नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के अलावा यहाँ पर कुछ स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना है। रविवार को असम और मेघालय में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तो यहाँ आपने मौसम का हाल है, साथ ही मौसम में किसानों को क्या करना बेहतर फिलहाल वक्त चला सुनने का मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर हमने यहाँ से बात करते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।